हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑन्कोस्कॉलर चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्रॉब्लम को जो बहुत कॉमनली कैंसर रिसर्चर्स फेस करते हैं, एंड दैट इज हाउ टू सिलेक्ट प्रॉपर सेल लाइन फॉर योर कैंसर रिसर्च। तो एक बहुत कॉमन सिचुएशन आ जाती है जब आपके पास एक जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है और आप उस जीन ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन किसी पर्टिकुलर कैंसर में डिटरमाइन करना चाहते हैं। सो लेट्स से कोई ऐसा कोई ऑन्कोजीन है जो कि कैंसर्स में यूजुअली ट्यूमर्स में ओवर एक्सप्रेस्ड होता है, तो आप क्या चाहते हैं कि आप उस जीन को नॉक डाउन करके उसके फंक्शंस देखें कि उसको नॉक डाउन करने के बाद कैंसर सेल लाइंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर इन केस ऑफ ट्यूमर सप्रेसर्स जो कि यूजुअली कैंसर्स में डाउन रेगुलेटेड होते हैं, तो आप चाहते हैं कि हम उसका उसके लेवल को बढ़ाकर देखें कि उसका एक्चुअली क्या इफेक्ट होता है कैंसर सेल लाइंस पर। तो ये दो कॉमन चीज़ें हैं जो हम कैंसर सेल लाइंस के साथ करते हैं, बट मेन थिंग इज़ आप कैसे ये कैंसर सेल लाइंस सिलेक्ट कर सकते हैं अपने इस ओवर एक्सप्रेशन या नॉकडाउन के लिए। तो एक बहुत कॉमन मेथड है कि आप क्या कर सकते हैं, लेट्स से आपके पास किसी कैंसर की चार सेल लाइन अवेलेबल हैं, तो आप उन चारों सेल लाइंस में अपने जीन के जो पर्टिकुलर जीन है उसके एक्सप्रेशन के लेवल्स चेक कीजिए, एमआरएनए लेवल पर चेक कीजिए, पीसीआर के थ्रू या वेस्टर्न ब्लॉट के थ्रू आप प्रोटीन लेवल पर चेक कीजिए, और फिर कंपेयर कीजिए उन सेल लाइंस को। तो जिसमें जिस सेल लाइन में लेट से आपका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा है तो आप उसमें सिंपली नॉकडाउन के लिए उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर लेट से कंपैरेटिवली जिस सेल लाइन में आपका एक्सप्रेशन जीन ऑफ इंटरेस्ट का एक्सप्रेशन बहुत कम है उसको आप ओवर एक्सप्रेशन के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट से लेवल कम है तो आप ओवर एक्सप्रेस कीजिए तो आपको पर्टिकुलर इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, और लेट से एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा है तो आप उसको नॉकडाउन कीजिए तो आपको जो पर्टिकुलर इफेक्ट है बहुत अच्छे से दिखेगा। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली डू दिस थिंग इन द लैब। बट हाउ डू यू सिलेक्ट सेल लाइन अगर आपके पास कोई कंडीशन आ जाती है, लेट्स से कि आपको ऐसे जीन का फंक्शन देखना है जो सिर्फ जो P53 वाइल्ड टाइप ट्यूमर्स में ही अपना रोल प्ले करता है, तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैंसर सेल लाइन जो आप यूज कर रहे हैं उसकी मॉलिक्यूलर लेवल पे उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो इसके लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत सिंपल मेथड कि आप कैसे पहले ही ये डिटरमाइन कर लें कि आपकी सेल लाइन में किसी जीन के एक्सप्रेशन का लेवल कितना है, या फिर लेट्स से आपकी सेल लाइन में किस जीन का म्यूटेशन प्रेजेंट है। सो दिस इज़ द थिंग। सो इसको हम कैसे कर सकते हैं, सिंपली हमने cBioportal ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो cBioportal में आपको ये सब काम आप इजीली कर सकते हैं। सो cBioportal का वेब सर्वर ओपन करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है CCLE का डेटाबेस, तो CCLE कैंसर सेल लाइन इंसाइक्लोपीडिया। सो इसमें आपको मिल जाता है 1020 सेल लाइन का जीन एक्सप्रेशन, कॉपी नंबर, अल्टरेशन और म्यूटेशन का डेटा। तो तीन फीचर्स आपको मिल जाते हैं। आप इसमें सिंपली क्या करेंगे, ऑन द राइट साइड यू विल फाइंड अ पाई चार्ट, तो इस पाई चार्ट पर क्लिक करते ही आपका जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा, एंड दैट विल शो 1020 सेल लाइन का किस किस टाइप का डेटा है, इसमें उसका एक समराइज्ड फॉर्म आपको मिल जाता है। तो फर्स्ट थिंग इज कि आप किस सेल लाइन पर काम करना चाहते हैं, किस कैंसर की सेल लाइन पे काम करना चाहते हैं पर्टिकुलरली, तो आप कैंसर टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑन द लेफ्ट। सो लेफ्ट में आप लेट्स से आप ब्रेस्ट कैंसर पर काम करना चाहते हैं तो दिस हैज़ गॉट 56 ब्रेस्ट कैंसर सेल लाइंस का डेटा। सो आप 56 जो है ये सेलेक्ट करेंगे ब्रेस्ट कैंसर, ये पेज रिफ्रेश होकर आपको सिर्फ 56 सेल लाइन का डेटा दिखाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स से मैं किसी पर्टिकुलर म्यूटेशन वाले सेल लाइन में ही अपना काम करना चाहता हूँ और मेरा जो जीन है वो किसी पर्टिकुलर म्यूटेशन के साथ ही काम करता है, जैसे मैंने अभी बोला P53 म्यूटेशन, तो मैं फर्दर सिर्फ P53 म्यूटेशन वाली सेल लाइन ही सिलेक्ट करना चाहूँ तो वो भी मैं ईजिली कर सकता हूँ। ऑन द लेफ्ट यू विल फाइंड द म्यूटेशन डेटा। सो लेट्स से इसमें से आउट ऑफ 56 सेल लाइंस 28 सेल लाइंस में P53 जीन म्यूटेटेड है, तो इसमें सिलेक्ट करके मुझे नीचे करना है सिलेक्ट samples, तो ये सिर्फ जो सेल लाइंस आएंगे 28 सेल लाइंस जिसमें ये P53 म्यूटेशन है उन्हीं का डेटा ये दिखाएगा। सो नेक्स्ट थिंग इज अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, लेट्स से मैं ERBB2 मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको टाइप करूंगा और ऑन द राइट मैं क्वेरी करूंगा, क्वेरी करते ही दैट विल शो हाउ cBioportal में जैसा कॉमनली आता है फर्स्ट थिंग इज ओनको प्रिंट, ये बताएगा आउट ऑफ दीज 28 सेल लाइंस विद द P53 म्यूटेशन इनमें से कितनी सेल लाइन में मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें कॉपी नंबर या mRNA लेवल पे कुछ चेंज हो रहा है। सो
अराउंड 43% सेल लाइंस में, जो ये P53 म्यूटेंट सेल लाइंस है, इसमें एम्पलीफिकेशन होता है मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट का. नेक्स्ट थिंग इज मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, लेट से मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है विद इन दीज सेल लाइंस, विद इन दीज 28 सेल लाइंस, किसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट का एक्सप्रेशन ज़्यादा है, किसमें कम है mRNA लेवल पर. सो नेक्स्ट थिंग इज मैं सिंपली इसका mRNA का डेटा डाउनलोड करना चाहूँगा. फॉर दिस यू कैन सिंपली गो टू द डाउनलोड टैब विच इज इन द फ्रंट, डाउनलोड टैब पर क्लिक करेंगे और दैट विल शो जो जो भी इसमें डेटा अवेलेबल है. सो इसमें आपको कॉपी नंबर भी मिल जाएगा, जो अभी हमें हमने देखा था कि 43% में कॉपी नंबर अल्टरेशन था, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली. सो इसको आप डाउनलोड करेंगे, सो ये बताएगा कि डिफरेंट सेल लाइन में आपका कॉपी नंबर कितना है आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट का. सो ये भी आप एक्सेल में देख सकते हैं. दैट विल गिव यू रीडिंग्स लाइक -2 -1 0 1 2 शोइंग दैट 2 शोज की ये कॉपी नंबर गेन है, और जो नेगेटिव है दैट शोज ये कॉपी नंबर लॉस है, मीन्स डिलीशन है. सो द नेक्स्ट थिंग इज जीन एक्सप्रेशन का डेटा. सो ये भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं. जीन एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट दिए हैं, इनमें से कोई सा भी आप फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं. लेट्स से मैं ये फॉर्मेट यूज़ करूँगा. सो इस पर क्लिक करते ही फाइल डाउनलोड हो जाएगी, एंड दैट यू कैन ऑल्सो सिंपली ओपन इट इन एक्सेल. और एक्सेल पे खोलते ही आपको मिल जाता है इन 28 सेल लाइंस के नाम और इन 28 सेल लाइंस में जीन एक्सप्रेशन की वैल्यू. तो आप इसको फर्दर सॉर्ट कर सकते हैं हाई टू लो देखने के लिए. सो हाई टू लो हम इसको सॉर्ट करेंगे. सॉर्ट करने के बाद आप सिंपली आप इसको भी प्लॉट भी कर सकते हैं. इसको हम सिंपली चार्ट में प्लॉट करेंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन से सेल लाइन में हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का एक्सप्रेशन ज़्यादा है और किसमें वो कम है. और ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन सिंपली सेलेक्ट योर सेल लाइन. लेट्स से आपको ओवर एक्सप्रेशन करना है, तो आप जो ऊपर की इसमें जो सेल लाइंस हैं जिसमें जीन एक्सप्रेशन कम है, इनको सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर द ओवर एक्सप्रेशन. एंड फॉर द नॉकडाउन यू कैन सिंपली सिलेक्ट द सेल लाइंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिस थिंग. सो दिस इज फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस हम कैसे फर्दर इसमें जो अवेलेबल सेल लाइन का डेटा है उसके बेसिस पे कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट्स भी अटेन कर सकते हैं. आज के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक यू.